हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसका पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज अवर न्यू कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10th मैथ्स फॉर 2021 सेशन। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पिछले 4 महीने से हमारे स्कूल्स बंद हैं, स्टडी का बहुत लॉस है। तो इसको देखते हुए कि सीबीएसई ने क्या किया है, अपने सारे सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं उनको 75% तक रिड्यूस कर दिया है। 75% रिडक्शन के बाद बेसिकली सिलेबस तो हो गया है छोटा, और बट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बच्चों को क्रिएट हो गई है। अब उनको क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, कैसे उनको पढ़ना चाहिए, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या नहीं पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में आज आपको मैं यही बताने जा रही हूँ। तो अब हमारे कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, कैसे उनको मार्क्स में डिवाइड किया गया है, क्या क्या उनको सिलेबस में मॉडिफिकेशंस हैं और क्या परमानेंटली डिलीट है, क्या उनको टॉपिक्स बिल्कुल नहीं आएंगे पेपर में, तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे आपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन करनी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए और उनके पेरेंट्स के साथ भी, ताकि उनको भी पता चल सके अब उनके बच्चे के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्लास 10th का सिलेबस, जिसमें मैंने ये क्लास 10th मैथ्स, इसमें ये क्या यूनिट्स हैं। हमारे पास बेसिकली 7 यूनिट्स होती हैं क्लास 10th में, और उसमें हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं। तो सीबीएसई ने कोई भी फुल चैप्टर जो है डिलीट नहीं किया है, चैप्टर में से टॉपिक्स को डिलीट किया है। तो पहले समझ लेते हैं इसको, हमें कैसे डिवाइड किया गया है चैप्टर्स में, और फिर हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से क्या डिलीट हो चुके हैं और अब हमें क्या पढ़ना है। अब देखिए क्लास 10th में यूनिट नंबर 1 होती है नंबर सिस्टम्स, रियल नंबर्स, इसमें एक चैप्टर आता है जिसमें ये जो है वो 6 मार्क्स का आएगा आपको, या आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। देन नेक्स्ट होता है हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में बेसिकली हमारे 4 चैप्टर्स कवर होते हैं क्लास 10th में, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमारा एपी, दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जो कि हमारा 20 मार्क्स का आएगा। साथ ही साथ क्लास 10th में यूनिट 3 होती है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंडर एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये 6 मार्क्स का आएगा आपको। और साथ में यूनिट 4 में आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 3 चैप्टर कवर होते हैं मेनली, ट्रायंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस, और ये हमारा 15 मार्क्स इंक्लूड करेगा एग्जाम में। देन इज यूनिट नंबर 5, इट्स अवर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और उसी की एप्लीकेशन है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो कि हमारी 12 मार्क्स की आएगी पेपर में। देन इज यूनिट नंबर 6, मेंसुरेशन। इसमें हमारे 2 चैप्टर्स कवर होते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और ये 10 मार्क्स का आपको आएगा। देन इज यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 7, दैट इज अवर 11 मार्क्स, दैट इज अवर स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। उसमें बेसिकली 2 चैप्टर है, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। अब हम चैप्टर वाइज देखते हैं क्या हमको पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। अब तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, देखो सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। अब ये मैंने टिक वाला जो है ये आपको पढ़ना है, और ये जो क्रॉस वाला है ये परमानेंटली आपका डिलीट हो चुका है। ये टॉपिक्स के जो टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चंस अब आपको इस एग्जाम पेपर में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक पढ़नी है आपको, जिसके लिए आपकी बेसिक नॉलेज एचसीएफ और एलसीएम की होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, √5 आप प्रूफ करते हैं, वो सब आपको आएगा। साथ में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसके बारे में डेसिमल एक्सपेंशन, ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा कवर करना है आपको। और क्या डिलीट हुआ है जो सबसे डिफिकल्ट था इस चैप्टर में, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसके रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है शो दैट द क्यूब ऑफ, शो दैट द स्क्वायर ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड अब नहीं आएंगे आपको। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2। इसमें सिर्फ आपको अब 2 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये काफी बड़ा चैप्टर था, इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं, फर्स्ट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स, जिसमें हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस को निकालते हैं। क्या नहीं पढ़ना है, डिविजन एल्गोरिदम नहीं पढ़ना है, और साथ ही साथ ये वाला टॉपिक भी स्किप करना है आपको, फाइंडिंग अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन सम जीरोस आर गिवन,
इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 2.3 है आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उसको आपको नहीं स्टडी करना है, आपको सिर्फ इस चैप्टर में आप दो टॉपिक्स ही स्टडी करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हमें ग्राफिकल मेथड नॉर्मल जैसे ग्राफ्स पे हम ड्रॉ करते हैं वो पढ़ना है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बतानी है, और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें से दो मेथड तो अब हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिफिकल्ट था, उसको इन्होंने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर पे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, साथ ही साथ हमारे पास तीन मेथड होते हैं यहाँ पर भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, उसमें से हमें दो ही पढ़ने हैं, बेसिकली भी हम दो ही पढ़ते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। उसमें जो तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये उन्होंने डिलीट कर दिया है। साथ ही साथ नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने हैं आपको, ये तीन चीजें पढ़नी है। और इसमें से जो सबसे डिफिकल्ट चीज थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स, वो उन्होंने डिलीट कर दी है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स उन्होंने डिलीट कर दी है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपको इस टॉपिक्स में से। नेक्स्ट है हमारा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें दो ही टॉपिक होते हैं, एक nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनीथिंग। दोनों के फॉर्मूलेस को करने हैं, दोनों के क्वेश्चंस को भी करना है। डिलीट क्या हुआ है इसमें से, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो लंबी लंबी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सरसाइज के लास्ट में आपको दे रखी होती है ना, चार चार पांच पांच लाइनें की वर्ड प्रॉब्लम्स, वो एपी में से डिलीट हो गई है। नॉर्मल जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो तो आएंगी आएंगी, बट जो बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स है उन्होंने डिलीट कर दी है। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमारे पास तीन टॉपिक होते हैं बेसिकली, उसमें से अब दो ही रह गए हैं, जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है और सेक्शन फॉर्मूला है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है तीसरा टॉपिक जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से उन्होंने डिलीट कर दिया है। देन आवर सेवेंथ चैप्टर, दैट इज आवर ट्रायंगल्स, इस पे उन्होंने थ्योरम्स को कट किया है, दो थ्योरम्स कट किए हैं, वो कौन कौन सी पहले वो देख लेते हैं। एक है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ये मेरे ख्याल से 7.3 या 4 एक्सरसाइज में से कोई एक एक्सरसाइज है। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डिलीट करना है, और साथ ही साथ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब उल्टा नहीं पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़नी है बट उसकी जो कन्वर्स है उसको स्टडी करने की अब आपको जरूरत नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है इस ट्रायंगल चैप्टर में, बीपीटी दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थियल्स थ्योरम, और उसका कन्वर्स भी आपको करना है, और साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम। सिलेबस में उन्होंने 5-6 थ्योरम्स लिख रखी हैं, बेसिकली वो इसी के रिलेटेड है, तो ये ही दो टॉपिक्स हैं जो आपको मेनली चैप्टर ट्रायंगल्स में से करने हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमें टी रेशियोज पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब जो आइडेंटिटीज है वो थोड़ी सिंपल लेवल की ही आएंगी, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल नहीं आएगा इसमें। और इसमें से जो टॉपिक सबसे मेन डिलीट हुआ है वो टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, वो टॉपिक पूरा का पूरा इन्होंने डिलीट कर दिया है। 8.3 एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो आप चेक कर सकते हैं, तो ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे अब आपको। नेक्स्ट है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज ही पढ़ना है, बट अब क्या होगा कोई डिलीशन नहीं है इस चैप्टर में से, बट इसमें आपको सिंपल लेवल की प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब थोड़े एंगल्स जो है वो नॉर्मल से आएंगे, आपको नॉर्मल प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद है सर्कल्स चैप्टर, ये भी आपको फुल चैप्टर पढ़ना है, इसमें कोई डिलीशन नहीं है क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो सारे आपको करने हैं, ये एज इट इज करना है। देन कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली तीन तरह की कंस्ट्रक्शन करते थे हम क्लास 10th में, जिसमें दो करनी है और एक नहीं करनी है। पहली है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड गिवन रेशियो, एक लाइन सेगमेंट दी होती थी उसको गिवन रेशियो में डिवाइड करना है, वो करना है आपको, और टेंजेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना है। एक टॉपिक था इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल से लेके दूसरा ट्रायंगल बनाना होता था, तो उसमें हमें वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है वो अब आपको नहीं आएगा। देन इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये भी आपको फुल चैप्टर ही करना है, चैप्टर नंबर 12 है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और इसमें क्या डिलीट किया है फुल चैप्टर के साथ साथ, फुल चैप्टर तो पढ़ना ही है, फॉर्मूलाज भी वैसे ही करने हैं। इसमें आपको जो एंगल है वो बहुत सिंपल आएंगे, 30, 45, 60, 90 नॉर्मल से एंगल्स आएंगे। 120 डिग्री का जो एंगल के रिलेटेड एग्जांपल्स है वो डिलीट कर दी गई हैं। इसमें बेसिकली एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है
और 12.2 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, वो 120 डिग्री के रिलेटेड है, वो अब आपको नहीं आएगा। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13 चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। उसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स के क्लास 10th में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी सिंपल लेवल के अब आपको क्वेश्चंस आएंगे और इसमें से जो फ्रस्टम ऑफ कोन है वो बिल्कुल डिलीट कर दिया है। देन चैप्टर नंबर 14 है हमारा स्टैटिस्टिक्स। इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, उसमें बहुत आसान कर दिया इन्होंने। मीन के लिए दो मेथड्स ही करने हैं अब आपको, एक करना है डायरेक्ट मेथड जो आप क्लास 9 से करते आ रहे हैं और अज्यूम्ड मीन मेथड साथ में क्लास 10th में करना है। इसमें एक मेथड होता था स्टेप डेविएशन मेथड, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। साथ ही साथ मीडियन और मोड के नॉर्मल जो फॉर्मूलेस हैं वो आपको करने हैं। अब एक होता था इसमें ओगिव्स होती थी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स होती थी, जिसमें हम लेस देन और मोर देन ओगिव्स बनाते थे, फिर मीडियन फाइंड आउट करते थे, वो सब आपको इस पेपर में अब नहीं आएगा। एंड अवर लास्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। इसमें आप फुल चैप्टर करना है, ये बहुत ही आसान होता है, इसमें आपको कोई इसमें जो है कोई डिलीशन नहीं की गई है। तो ये तो बात होगी सारे चैप्टर में से क्या डिलीट हुआ है, क्या नहीं डिलीट हुआ है, कैसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लान कैसे करना है आपको, अब दिसंबर तक जो तैयारी है वो आपको कैसे करनी चाहिए। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट विद रिविजन प्लान फॉर क्लास 10th इस सेशन के लिए। तो अब जैसे कि हम पता चल गया है क्या क्या सिलेबस में मॉडिफिकेशन है, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कल से ही उस चीज की जो रिविजन है और कॉन्सेप्ट है उसके स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने डेट्स डिसाइड की हैं, ये एक्यूरेट नहीं होती, एक्चुअली अजम्पशन है, जस्ट हम इसमें ही कंप्लीट करना ये हमारा टारगेट होता है। तो हमने ये 15 सितंबर तक लिया है। तो बेसिकली इसके लिए क्या करेंगे, तो प्लान ए में इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हर चैप्टर का, हर टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही साथ कवर करेंगे उसके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को, मतलब उसकी एनसीईआरटी और एक आधी बुक और फॉलो करके हम उसके कॉन्सेप्ट को और साथ में साथ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। प्लान नंबर बी में जब हमारा सिलेबस कवर हो गया, तो अगर हमारा सिलेबस सितंबर तक कवर हो जाता है तो टिल ऑन नवंबर या दिसंबर तक हमारे पास रिवीजन करने के लिए इनफ टाइम होगा। अब सिलेबस क्योंकि हो गया है छोटा, तो उसको अब रिवाइज करने में और उसे पढ़ने में भी अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब ये है मेरे अकॉर्डिंगली प्लान ए और प्लान बी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप दिसंबर तक पूरी तैयार हो जाएंगे अपने एग्जाम्स को देने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको बस हमारे चैनल को फॉलो करना है, इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और कोई भी वीडियो ना मिस करिएगा, मैं पहले करवाऊंगी आपको कॉन्सेप्ट विद बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम रिविजन करेंगे। और आई अश्योर यू कि आप अगर इन वीडियोज को फॉलो करेंगे तो आप दिसंबर तक पूरे रेडी हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको मैथ्स का पर अटेम्प्ट करने में। तो तब तक आप इसको ज्यादा से ज्यादा अब आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनको भी ये पता चल सके, क्लैरिटी हो सके उनको कैसे पढ़ना है और कैसे उनको तैयारी करनी है। हैव ए नाइस डे।